तो अगर देखो इस वाले सवाल को देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा जाता है कि अगर एक फोर्स है, ये जो फोर्स है वो 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसमें लग रहा है 6i कैप माइनस 8, ये जो फोर्स है वेक्टर अप्लाई बाय द फोर्स एक्सलेशन 1 मीटर है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। देखो तो मास अगर तुम देखोगे, जो एक्सलेशन दिया हुआ है, ये फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें मास निकालना। तो मास की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपान मास यार, फोर्स अपान एक्सलेशन, ठीक है ना, फोर्स अपान एक्सलेशन, ये मास मास आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी फोर्स अपान मास यहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, तो फोर्स का मॉड आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये सब कुछ अंडर रूट, ठीक है। तो कितना बना भाई, तो ये बना देख रहे हो 36 प्लस 64 प्लस 100, मतलब ये आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, 200 अंडर रूट। 200 अंडर रूट कितना होता है, 10√2। तो मास की जो 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 हमें क्या निकालना, मास ऑफ द बॉडी, मास की वैल्यू आ जाएगी फोर्स अपॉन एक्सलेशन। तो फोर्स कितना है, 10√2, एक्सलेशन है 1, तो फाइनली 10√2 kg इतना मास आ जाएगा, 10√2 kg, मतलब ए ऑप्शन सही है। थैंक यू।